बल्लभगढ़ में राजनीति ने अब अपनी हिस्सेदारी मांगने के लिए प्रजापति समाज ने भी कवायद शुरू करी है। बता दें कि जिसकी शुरुआत हरिद्वार से कुम्हार प्रजापति जनचेतना यात्रा शुरू कर दी गई है। इस यात्रा को रामेश्वर प्रजापति ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जो कि पूरे देश में प्रजापति समाज को राजनीति में हिस्सेदारी के लिए जागरूक करेगी। और यात्रा के बाद 27 फरवरी 2019 का संसद को घेराव भी किया जाएगा। साथ ही अधिक जानकारी देते हुए रामेश्वर प्रजापति ने साफ किया है कि राज्यसभा और लोकसभा में उनके समाज की अभी तक कोई हिस्सेदारी नहीं रही, इसलिए वे अपनी हिस्सेदारी का दावा कर रहे हैं। पावन धरती से कुम्हार धर्मशाला में प्रजापति कुम्हार जनचेतना यात्रा का हमारे समाज के श्री श्री राम मुनि जी महाराज के पावन सानिध्य में माननीय फ्रेराम जी, अशोक जी और समाज के कई सारे बड़े नेताओं ने, जिसमें मैं रामेश्वर सिंह प्रजापति अध्यक्ष प्रजापति महासंघ फरीदाबाद भी शामिल था, हमने आज कुम्हार जनचेतना यात्रा का शुभारंभ किया तथा यह यात्रा प्रजापति समाज के एक एक आदमियों को, एक एक जनमानस को जगाने के लिए कि अब समय आ गया है राजनीति में समाज की भागीदारी प्राप्त करने के लिए। आज की डेट में संसद भवन के अंदर कुम्हार जाति का एक भी सदस्य नहीं है, ना राज्यसभा में ना लोकसभा में, लेकिन अब 2019 के चुनाव से पहले ये आप यात्रा पूरे देश के कोने कोने से निकलती हुई 27 फरवरी को दिल्ली में संसद भवन का घेराव करेगी और हर हालत में, हर कंडीशन में हम अपने समाज के लिए राजनीति में भागीदारी, राजनीति में हिस्सेदारी प्राप्त करके रहेंगे। इसके लिए हमें चाहे अपनी जान की बाजी क्यों न लगानी पड़े। और मैं बता दूं आप हुक्मरानों को, सत्ता नशीनों को और हमारे देश की पार्टियों को कि अब कुम्हार समाज पहले की तरह सोया हुआ नहीं है, अब कुम्हार समाज जगा हुआ है और हर हाल में ये हिस्सेदारी प्राप्त करके रहेगा। इसी के साथ मैं इस चैनल के माध्यम से, इस मीडिया के माध्यम से अपने समाज के एक एक व्यक्ति को ये संदेश देना चाहता हूं कि प्रजापति समाज के बंदो, अब उठ जाओ और उठ खड़े हो जाओ, अब समय आ गया एक लड़ाई का, समय आ गया अपने मूल अधिकारों को प्राप्त करने का, जो बाबा भीमराव अंबेडकर अपने संविधान के अंदर लिख गए और 72 साल के बाद भी आज हम उनसे अछूते हैं। इसलिए मैं पुनः आप सभी का धन्यवाद करते हुए हरिद्वार की पावन धरा से इस पावन यात्रा का शुभारंभ करते हुए मैं आगे की ओर बढ़ते हुए पूरी ताकत के अनुसार और जनमानस के साथ फरीदाबाद में ये 18 तारीख शाम 3 बजे दशहरा मैदान बल्लभगढ़ में ये यात्रा पहुंचेगी। मैं फरीदाबाद के समाज के एक एक व्यक्ति, एक एक जनमानस को ये आह्वान करता हूं और उनसे मैं प्रार्थना करता हूं कि आप 3 बजे दशहरा मैदान में पहुंच करके इस यात्रा का स्वागत करेंगे और इस यात्रा को गति देंगे।